के लिए वो था क्योंकि खलील साहब के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ, उन्होंने उनकी 4-5 स्क्रिप्ट्स कर चुके हैं, मुझे पता है वो कोई चीज़ लिखते हैं तो वो बहुत खूबसूरत लिखते हैं, उनका लिखा जब आप पढ़ते हैं ना तो आपके दिमाग में रह जाता है। मतलब अगर मैं उनकी 3री एपिसोड तक पहुँची हूँ तो मैं रात में सो नहीं पाती जब तक मैं आगे का ना अनफोल्ड कर लूँ, तो मैं रात भर मुझे नींद, तो वो उस तरह के हैं, तो उनकी कहानी उस तरह की होती है कि आप सोचते रहते हैं। फिर जब इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं तो फिर आप सोचते हैं कौन डायरेक्ट करेगा, वही वाली बात आती है कि हर कोई नहीं संभाल पाता ये वाली चीज़ें। जिस तरह की सिचुएशंस वो थी, जिस तरह नदीम भाई ने संभाला और फिर मेरा कैरेक्टर, उन्होंने मुझे कहा था मुझे लगता है तुम जो है ना बस मुझे लगता है तुम करो ये, मैंने कहा पता नहीं मुझे लगता है कि पता नहीं मैं करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम पहले मुझे याद है जब ये स्क्रिप्ट ऑफर हुआ था 2 साल पहले, तो मुझे लगता था कि मैंने कहा नहीं मुझे नहीं लगता मैं मतलब एक होता ना आपने कुछ कभी ऑब्जर्वेशन आपकी इतनी स्ट्रांग हो कि इस तरह के लोग आपके इर्द गिर्द हैं या नहीं हैं, अब नहीं आपकी शादी हुई हो आपके